दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप ऑनलाइन क्लासेस पर। तो दोस्तों हम लोग कर रहे थे क्लास ट्वेल्थ मैथ्स का एक्सरसाइज 2.1। हम लोग पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग आगे का कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, हमको sec इनवर्स 2/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम पिछले क्वेश्चन जैसा इसमें भी हम मानते हैं कि लेट y इज इक्वल टू sec इनवर्स 2/√3। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू sec इनवर्स। अब आप जानते होंगे कि sec में 2/√3 की इसकी वैल्यू होती है। 2/√3 जो वैल्यू होती है ये होती है sec पाई बाई 6 की। जो sec पाई बाई 6 है इसकी वैल्यू होती है 2/√3। हम जानते क्या है कि वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स, जो sec इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज है वो क्या है, 0 से π माइनस π/2। ठीक है, आप ये लिखेंगे कि वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स ये है हमारे पास। ठीक है, और हम क्या जानते हैं कि sec इनवर्स और sec कट जाएगा। अब ये क्यों कटेगा मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में आपको। तो क्या आएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू π/6। तो हमारा हो गया इसका आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो हमारे पास 8th क्वेश्चन क्या दिया है कि cot इनवर्स 2/√3 इसकी हमको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम पिछले क्वेश्चन जैसा y इज इक्वल टू cot इनवर्स 2/√3। तो देखिए y इज इक्वल टू cot इनवर्स, अब आप जानते होंगे कि cot में 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है cot पाई बाई 6 की। ठीक है, और हम क्या जानते हैं कि वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स वो क्या होती है, 0 से π के बीच में, आप इसको लिख देंगे। ठीक है, और हमारा cot इनवर्स से जब cot कट जाएगा तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू पाई बाई 6। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तुम्हारा 9th क्वेश्चन क्या है, cos इनवर्स -1/√2। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम पिछले क्वेश्चन जैसा y इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/√2। अब ध्यान दीजिए, जब cos में अंदर में माइनस है, cos में अंदर में अगर माइनस है तो पाई लिख देते हैं और ये माइनस बाहर आ गया तो माइनस cos इनवर्स x हो गया। तो सेम इसी प्रकार y इज इक्वल टू पाई लिख दिए और ये माइनस बाहर आ गया और क्या बचा हमारे पास, cos इनवर्स 1/√2। ठीक है, तो ये हो गया y इज इक्वल टू, अब ये पाई का पाई रहेगा माइनस cos इनवर्स का cos इनवर्स रहेगा। और अब देखिए जो 1/√2 है ये cos में किसका वैल्यू होता है, cos में ये होता है cos पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, पाई बाई 4 का वैल्यू ना होता है ये। अब देखिए cos इनवर्स और cos कट गया तो क्या बचा हमारे पास, y इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो LCM लिए 4 और ये हो गया 4π - π, तो हो गया 3π/4। आपका जो आंसर आ गया 3π/4। और आप लिख देंगे कि वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स क्या दिया है, 0 से π। ठीक है, तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9th का आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। तो हमारे पास 10th क्वेश्चन क्या दिया है, cosec इनवर्स -√2। अब देखिए सेम उसी प्रकार y इज इक्वल टू हम मान लेते हैं cosec इनवर्स -√2। ठीक है, अब देखिए जब cosec में दिया है और अंदर माइनस है, cosec में दिया है और अंदर क्या है माइनस है, cosec में दिया है और अंदर माइनस है तो ये माइनस बाहर आ जाता है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस ये माइनस बाहर आ गया और cosec इनवर्स हो गया 2/√2। ठीक है, तो
तो अब देखिए y इज इक्वल टू हो गया माइनस कॉसेक इनवर्स। अब कॉसेक में अंडर रूट टू किसका वैल्यू होता है, ये होता है कॉसेक पाई बाई फोर का वैल्यू होता है अंडर रूट टू। तो ध्यान दीजिए जब कॉसेक इनवर्स और कॉसेक कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस पाई बाई फोर। और आप यहाँ पर लिखेंगे कि वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स वो क्या होता है, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में होता है और माइनस दिया है जीरो। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ये। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवंथ। तो हमारे पास इलेवंथ क्वेश्चन क्या दिया है, टेन इनवर्स वन प्लस कॉस इनवर्स माइनस वन अपॉन टू प्लस साइन इनवर्स माइनस वन अपॉन टू। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिए जब हम जानते हैं कि टेन इनवर्स तो दिया ही है, और जब टेन इनवर्स दिया है जब टेन में वन किसका वैल्यू होता है, वन जो है टेन में किसका वैल्यू होता है, तो ये होता है टेन पाई बाई फोर का। ध्यान दीजिए जो साथ में रहता है ना उसी का वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर, जैसे टेन दिया है तो टेन का ही वैल्यू चेक करेंगे, हम किसी दूसरे का वैल्यू नहीं चेक करेंगे। ठीक है, तो जैसे टेन दिया है तो टेन में वन किसका वैल्यू होता है, पाई बाई फोर का। प्लस हम क्या जानते हैं कि अगर कॉस में, ठीक है, अगर कॉस इनवर्स में माइनस है तो क्या होता है पाई, और ये माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास कॉस इनवर्स वन अपॉन टू। ठीक है, प्लस अब देखिए जो साइन इनवर्स है इसके साथ अंदर में माइनस है, तो अगर साइन इनवर्स में माइनस रहता है अंदर में तो ये माइनस आ जाता है बाहर। ध्यान दीजिए जब ये साइन इनवर्स में अंदर माइनस है तो ये माइनस कहाँ जाता है, बाहर में। तो जब ये माइनस बाहर में आएगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स वन अपॉन टू। ठीक है, अब ये जब टेन इनवर्स और टेन कटेगा तो आएगा हमारे पास पाई बाई फोर प्लस पाई माइनस। तो अब देखिए एक कॉस इनवर्स है, अब कॉस में वन बाई टू किसका वैल्यू होता है, तो आप जानते होंगे कि वैल्यू होता है ये कॉस पाई बाई थ्री की वैल्यू। ठीक है, कॉस पाई बाई थ्री की वैल्यू होती है वन अपॉन टू, माइनस ये हो गया हमारे पास साइन इनवर्स। अब साइन में वन अपॉन टू किसका वैल्यू होता है, साइन में वन अपॉन टू किसका वैल्यू होता है, तो आप जानते होंगे ये होता है साइन पाई बाई सिक्स का वैल्यू। ठीक है, अब ये कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास पाई बाई फोर प्लस पाई माइनस, ये हो गया पाई बाई थ्री और माइनस पाई बाई सिक्स। ठीक है, तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो पूरे का एलसीएम आएगा 12, तो ये हो गया 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया 15 पाई और 15 पाई माइनस 6 पाई, तो हो गया 9 पाई अपॉन 12, तो हो गया 3 पाई अपॉन 4, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर हो गया 3 पाई बाई 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12th। तुम्हारे पास 12th क्वेश्चन क्या दिया है, कॉस इनवर्स 1 अपॉन 2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन 2, इसके हमको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स तो दिया ही है, अब कॉस में ही 1 अपॉन 2 किसका वैल्यू होता है, तो हम जानते हैं कि ये वैल्यू होता है कॉस पाई बाई 3 का, कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू होता है 1 अपॉन 2, प्लस 2 है और ये साइन इनवर्स है, अब साइन में ही 1 अपॉन 2 किसका वैल्यू होता है, साइन में 1 अपॉन 2 होता है साइन पाई बाई 6 का वैल्यू। ठीक है, तो अब जब कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, साइन इनवर्स से साइन कट गया, तो आया हमारे पास पाई बाई 3 प्लस 2 इंटू पाई बाई 6, तो ये जगह कटेगा तो आएगा 3, तो पाई बाई 3 और पाई बाई 3 हो गया 2 पाई बाई 3, हमारा हो गया आंसर। ठीक है, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, वो क्या दिया है, इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई,
क्या दिया हमको, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हमको, वाई। तो वाई की वैल्यू क्या होगी, आप जानते होंगे कि अगर साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई है तो वाई की वैल्यू क्या होगी, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। तो देखिए जो वाई की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, माइनस पाई बाई टू भी हो सकती है और इससे आगे जितनी भी वैल्यू है, कहाँ तक, पाई बाई टू तक, और पाई बाई टू वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, टेन इनवर्स अंडर रूट थ्री माइनस सेक इनवर्स माइनस टू। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या जानते हैं, जो टेन इनवर्स दिया है, अब टेन में अंडर रूट थ्री किसकी वैल्यू है, टेन में अंडर रूट थ्री किसकी वैल्यू है, ये होता है टेन पाई बाई थ्री का, ठीक है, टेन पाई बाई थ्री का वैल्यू होता है माइनस, अब आप जानते होंगे क्या जानते हैं कि अगर सेक में अंदर में माइनस है तो क्या आ जाता है, पाई, और ये माइनस बाहर आ गया तो माइनस सेक इनवर्स एक्स, तो यहाँ भी माइनस है तो पाई, और ये माइनस बाहर आया तो हो गया सेक इनवर्स टू, ठीक है। अब देखिए जब टेन इनवर्स और टेन कटेगा तो क्या आएगा, पाई बाई थ्री माइनस, अब देखिए ये पाई जो है ये माइनस में हो गया और ये हो जाएगा प्लस सेक इनवर्स। अब देखिए सेक में टू किसका वैल्यू होता है, जो टू है वो सेक में किसका वैल्यू होता है, तो आप जानते होंगे कि ये सेक में पाई बाई थ्री का वैल्यू होता है, तो अब सेक इनवर्स और सेक कट गया तो क्या आया हमारे पास, पाई बाई थ्री माइनस पाई प्लस पाई बाई थ्री। तो ये पाई बाई थ्री और पाई बाई थ्री क्या हो गया, टू पाई बाई थ्री माइनस पाई, ये पाई बाई थ्री हो गया टू पाई बाई थ्री और ये माइनस पाई, ठीक है। तो जब इसको माइनस किए तो ये हो गया एलसीएम थ्री और ये हो गया टू पाई माइनस थ्री पाई, तो हो गया माइनस पाई बाई थ्री, आपका आंसर हो गया माइनस पाई बाई थ्री, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया माइनस पाई बाई थ्री। तो दोस्तों इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।